हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी के बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स को रीड करेंगे। ये कहानी एक लड़की मृदु की है जो मद्रास में अपनी दादी और दादा के साथ रहती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है और मृदु की दादी का नाम है तापी और मृदु के दादा का नाम है थाथा। एक दिन मृदु की दादी मृदु को उसकी आंटी के घर लेकर जाती है जिनका नाम है रुकुमणि, और वहां पर मृदु के कजन्स भी होते हैं जिनका नाम है लाली, रवि एंड मीना। अ स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि रुकुमणि ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। यानी कि रवि और मीना तेजी से बाहर की तरफ आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर की तरफ खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। लेकिन मृदु ने विरोध किया और कहा कि मुझे मेरी स्लीपर्स उतार लेने दो, यानी कि मुझे मेरी चप्पलें उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वहां पर बड़ी काले रंग की चप्पलें पड़ी थी और उनके पास ही मृदु ने सही ढंग से अपनी चप्पलों को रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। यहां पर उन बड़ी चप्पलों के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी चप्पलें धूल मिट्टी की वजह से मटमैली हो गई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. यानी कि उन चप्पलों में आगे की तरफ आप उंगलियों के निशानों को देख सकते थे, पंजों के निशानों को देख सकते थे। The marks for the two big toes were long and scrawny. और उन दोनों चप्पलों में आगे की तरफ लंबे और पतले अंगूठों के निशान थे। Scrawny का मतलब होता है पतले। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मृदु के पास ये जानने का भी समय नहीं था कि ये चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे खींचता हुआ घर के पीछे की तरफ ले गया और घर के पीछे रवि मृदु को बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसमें रेत थी और उसके ऊपर एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो कोकोनट के हाफ शेल में से, यानी नारियल की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning, यानी कि ये हमें सुबह गेट के बाहर मिला। He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. Meena ने कहा कि ये बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। It's a secret, ये एक सीक्रेट है, यानी कि हमने इस बिल्ली के बच्चे के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया है। अम्मा says पाती विल लीव फॉर अवर पडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। बच्चों ने बिल्ली के बच्चे की बात को इसलिए सीक्रेट रखा है क्योंकि उनकी मदर ने कहा था कि जो पाती है, यानी कि जो ग्रैंड मदर है, अगर उन्हें इस बिल्ली के बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो पड्डू मामा के घर चली जाएंगी क्योंकि वो बिल्ली को पसंद नहीं करती। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। यानी कि सब लोग कहते हैं कि हमें जानवरों के लिए दयालु रहना चाहिए, लेकिन जब हम जानवरों के लिए दयालु रहते हैं, जब हम जानवरों पर दया करते हैं तो सब हम पर चिल्लाते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। और रवि यहां पर यह कह रहा है कि अगर हम किसी जानवर पर दया करते हैं और उस जानवर को घर ले आते हैं तो सब ये कहते हैं कि इस गंदे जानवर को घर में मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन।
रवि यहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल काम है। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। रवि कहता है कि पाती ने मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब रवि बिल्ली के बच्चे के लिए ग्लास में दूध लेकर आता है तो पाती यानी कि ग्रैंड मदर रवि के हाथ में दूध का ग्लास देख लेती है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री यानी कि रवि पाती को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट और मैं ये दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरह से दादी ने मुझे देखा दादी को बहकाने के लिए मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक और फिर दादी ने ग्लास वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। और मैंने पाती से कहा यानी कि दादी से कहा कि मैं इस ग्लास को धो दूंगा, इस ग्लास को धोने के लिए मैं आपको परेशान क्यों करूं। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. यहाँ पर रवि ये कहता है कि मैं भाग कर आया और मैंने इस कोकोनट शेल में यानी कि नारियल की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें दूध को डाल दिया और फिर मैं वापस भाग कर गया और ग्लास को धोकर वापस रख दिया ताकि दादी को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन यानी कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। यानी कि बच्चों ने बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन रखा था। महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन यानी कि इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड मृदु इस नाम को सुनकर प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम क्योंकि ये एक रियल नेम था, ये बिल्ली के बच्चे का नॉर्मल नाम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। अब रवि कहता है कि इस बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई एम पी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। अब रवि मृदु से ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे एम पी पुनई बुला सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट यानी कि ये एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर इसके बालों को देखो लाइक अ लायंस मेन ये बिल्कुल शेर के गले के बालों की तरह नजर आते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि शेर की गर्दन शेर के गले पर घने बाल होते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज डोंट यू। एम्ब्लेम का मतलब होता है राज चिन्ह। तो यहाँ पर रवि मृदु से ये पूछता है क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लवा राजाओं का जो राज चिन्ह था वो क्या था। He looked expectantly at मृदु। रवि ने इस आशा में मृदु की तरफ देखा कि मृदु इस प्रश्न का उत्तर दे देगी। Expectantly का मतलब होता है आशा से। मृदु giggled यानी कि मृदु हंसी। Think I am joking? Well, just wait, I will show you some time। यहाँ पर रवि मृदु से ये कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री ये तो क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। और अब रवि मृदु से ये पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। वेल When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, 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 at Katera। यहाँ पर रवि मृदु को ये बताता है कि एक बार रवि अपनी क्लास के साथ महाबलीपुरम गया था।
वहां पर उसने इस बिल्ली के बच्चे के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के स्टैचू को देखा था और उस स्टैचू का बहुत बड़ा नाम था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट। यहां पर रवि मृदु को यह बताता है कि रवि ने महाबलीपुरम में जिस बिल्ली की मूर्ति देखी थी, महेंद्रन उसी बिल्ली का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। द पलवा लॉयन एम्ब्लेम ऑफ द पलवा डायनेस्टी। यहां पर रवि मृदु को यह बताता है कि पल्लव राजाओं का जो राज चिन्ह था वो शेर था और ये बिल्ली उसी शेर की क्लोज रिलेटिव है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग। यानी कि रवि बोलता रहा और वो बेर की झाड़ी के चारों तरफ घूमता रहा और उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे वो ऊपर नीचे करता रहा और उसकी आंखों में एक चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। और यहां पर रवि मृदु को कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। और ऐसा लग रहा था जैसे कि रवि को अपनी ही आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग मृदु डिमांडेड। मृदु ने रवि से कहा, इतना सब जो तुमने हमें बताया इन सब का क्या मतलब है, क्या यूज है? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नो गॉडेस या दैट्स इट। यहां पर रवि मृदु को यह बताता है कि ये बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवी की वंशज है। फिर मृदु रवि से कहती है, तो क्या हुआ? वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन एम पी पुन्नई हेयर। यहां पर रवि मृदु को यह बताता है कि मिस्र की जो बिल्ली देवी थी उसकी वंशज पलवा शिप से महाबलीपुरम आ गई और इसी बिल्ली की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी और महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज हमारे सामने हैं एम पी पुन्नई। यानी कि यहां पर रवि ने मृदु को यह बताया है कि मिस्र की जो बिल्ली देवी थी उसकी वंशज जहाज के द्वारा महाबलीपुरम आ गई और उस बिल्ली की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी और महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज एम पी पुन्नई है जो उनके सामने है। ही श्रीक्ड वो चीखा वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। और रवि अपने आप से बहुत खुश था। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये बातें करते समय रवि ने अपनी छड़ी एम पी पुनई यानी कि बिल्ली के बच्चे के सामने लहराई। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा और वो डर गया था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और महेंद्रन अपने पंजों को नारियल के खोल के साथ रगड़ रहा था। शार्पनिंग मतलब रगड़ना। बट वर्स देन रविज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब रवि चिल्लाया था ईक तो ये एक डरावनी आवाज थी लेकिन इससे भी बुरी वो कर्कश आवाज थी जो खिड़की से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड। इसका यह मतलब है कि कैसी विलक्षण आवाज है, कैसी अजीब आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एम पी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। यानी कि इस आवाज को सुनकर मृदु चौंक गई और एम पी पुन्नई डर गया। यानी कि बिल्ली का बच्चा डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टुवार्ड्स अ बेम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज
दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, यानी कि बिल्ली के बच्चे के बाल खड़े हो गए, वो उछला और वो भागा और लाल मिर्च की बांस की बनी प्लेट की ओर गया जिसे वहां पर सुखाने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चेरीज ओवर हिमसेल्फ, और उसके नीचे छिपने की कोशिश में उसने कुछ मिर्ची अपने ऊपर गिरा ली। बिनेथ का मतलब होता है नीचे। मिया, ही हाउल्ड मिजरेबली, यानी के बिल्ली का बच्चा दुख से चिल्लाया। मिजरेबली मतलब दुख से, तकलीफ से, और हाउल्ड का मतलब चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो तीखी कर्कश आवाज आती रही। व्हाट्स दैट नॉइज, ये शोर कैसा है, सेड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने बुड़बुड़ाकर कहा कि ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, और रवि कहता है कि वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डीरेलिंग। अब रवि ये कहता है कि म्यूजिक मास्टर इस तरह से बाजा बजाता है जैसे कि एक ट्रेन लगातार चलती रहती है, जबकि लल्ली उस ट्रेन को हमेशा पटरी से उतार देती है। यानी कि लल्ली सही से बाजा नहीं बजाती, सही से वायलिन नहीं बजाती। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि लल्ली बिल्कुल बेसुरा बाजा बजाती है, बिल्कुल बेसुरा वायलिन बजाती है। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लल्ली सही तरीके से वायलिन नहीं बजाती है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, यानी कि मृदु खिसक कर विंडो के पास पहुंच गई, खिड़की के पास पहुंच गई। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, यानी कि लल्ली थोड़ा सा दूर बैठी थी और उसने अजीब तरीके से, खराब तरीके से वायलिन और वायलिन की तार को पकड़ा हुआ था। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, यानी कि लल्ली की कोहनियां फैली हुई थी और उसकी आंखें कंसंट्रेशन की वजह से चमक रही थी। यानी कि ज्यादा ध्यान लगाने की वजह से लल्ली की आंखें चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लल्ली के सामने म्यूजिक मास्टर बैठा था जो पतला था और उसकी बैक विंडो की तरफ थी, यानी कि म्यूजिक मास्टर की पीठ खिड़की की तरफ थी। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि म्यूजिक मास्टर लगभग गंजा था, सिर्फ किनारों पर तेल लगे बाल थे जो उसके कानों पर लटके हुए थे और उसकी पुराने फैशन वाली चोटी थी। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि म्यूजिक मास्टर की चमड़े जैसी पतली गर्दन पर सोने की चैन चमक रही थी और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी जो चमक रही थी और ये ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि म्यूजिक मास्टर वायलिन की तार पे अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनिथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि म्यूजिक मास्टर का पतला लंबा पैर उसकी सुनहरे बॉर्डर वाली धोती से बाहर निकला हुआ था और वो अपने पतले और लंबे अंगूठे से फर्श पर थपकी दे रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, यानी कि म्यूजिक मास्टर ने कुछ सुर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स,
यानी कि रली ने रड़खड़ाते हुए अपना वर्लन बजाया और वह वर्लन उसके हाथों में असहाय और दुखी दिख रहा था। व्हाट ए डिफरेंस, कितना फर्क था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। यानी म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे, म्यूजिक मास्टर का जो म्यूजिक था वो इतना सुंदर, इतना मधुर था और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो म्यूजिक, वो संगीत तैर रहा हो। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड। और जैसा कि रवि ने कहा था कि म्यूजिक मास्टर का संगीत इतने अच्छे तरीके से बजता है जैसे कि ट्रेन पटरी पर बिना किसी रुकावट के स्मूथली दौड़ती है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु का ध्यान उस अंगूठी वाले हाथ पर था जो बिना किसी रुकावट के वॉयलिन की तारों पर ऊपर नीचे चल रहा था और जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा संगीत बज रहा था। स्क्वैक, देयर वॉज रली डी रेलिंग अगेन। यानी कि रली ने एक बार फिर से गलत नोट बजा दिया, गलत सुर बजा दिया। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह। तभी बाहर से एक दर्द भरी आवाज आई, अम्मा अम्मा ओह। वेल का मतलब होता है दर्द भरी आवाज। रवि, सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। यानी कि रवि की माँ ने आंगन से रवि को चिल्लाकर कहा कि इस भिखारी को यहां से भगा दो। वरांडा का मतलब होता है आंगन। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। यानी कि रवि की माँ आंगन में बैठी तापी के साथ बातें कर रही थी और वहीं से उन्होंने चिल्लाकर रवि से कहा कि इस भिखारी को यहां से भगा दो। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी। यानी कि पाती ने तापी को बताया कि वो भिखारी पिछले एक हफ्ते से हर रोज उनके घर आ रहा था और अब समय आ गया है कि उस भिखारी को भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। यानी कि मृदु और मीना भी रवि के पीछे बाहर की तरफ गई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। यानी कि भिखारी पहले से ही बगीचे में आ गया था और अपने आराम की तैयारी कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। यानी कि भिखारी ने जो ऊपर पहनने वाला कपड़ा था उसे नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया और पेड़ के तने के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपियर। यानी कि भिक्षा आने तक वो थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था। स्नूज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना, झपकी ले लेना, और आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। गो अवे, सेड रवि स्टर्नली। रवि ने कठोर आवाज में कहा, चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और रवि ने उस भिखारी से ये कहा कि मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम भीख मांगने के लिए किसी और के घर को ढूंढ लो। द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। यानी कि भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और एक एक करके सभी बच्चों की तरफ देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। और आखिरकार उसने रूंधे हुए गले से कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन दियर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक। और इस पूरे हफ्ते मैंने उनकी उदारता से ही अपना पेट पाला है। आई कैन नॉट बिलीव
दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे निराश कर देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, अब उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा अम्मा अम्मा ओ। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल, यानी कि उस भिखारी की आवाज में दर्द तो था लेकिन उसकी आवाज कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि उस भिखारी की आवाज उसके सूखे पेट के अंदर कहीं गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई और उसके मुंह से जोरदार बनकर निकली। यहां पर रंबल का मतलब है गहरी हताश आवाज और विदर्ड का मतलब है सूखा हुआ उजड़ा हुआ और बेली का मतलब है पेट। और उस भिखारी के जो थोड़े से दांत अभी बचे हुए थे वो पान चबाने के कारण रंगे हुए थे। स्टेंट का मतलब होता है रंगा हुआ और बीटल का मतलब होता है पान। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने रवि से कहा कि उस भिखारी से कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, और उस भिखारी से कह दो कि अब दोबारा यहां पर ना आए। और रुकुमनी इस तरीके से बोल रही थी जैसे कि वो तंग आ चुकी है। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना तंग आ जाना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, यानी कि जो कुछ भी रुकुमनी ने कहा रवि को उस बात को भिखारी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे वो सभी रुकुमनी की आवाज को आसानी से सुन सकते थे, यानी कि भिखारी ने भी रुकुमनी की आवाज को सुन लिया था। द बैगर सेट अप एंड साइड, यानी कि भिखारी बैठ गया और उसने लंबी सांस ली। साई का मतलब होता है लंबी सांस लेना। आई विल गो ही सेड वियरली, मैं चला जाऊंगा भिखारी ने दुख से कहा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, धूप इतनी तेज है कि सड़क पर तार कोल भी पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी कि गर्मी की वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं फफोले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पैर फैलाकर दिखाया कि उसके पैरों में नीचे की तरफ गुलाबी सूख रहे छाले थे यानी कि फफोले थे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena, Ravi. Mridu ने मीना और रवि को फुसफुसाकर बोला कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास घर में कहीं कोई पुरानी चप्पलें पड़ी हैं? I don't know, said Ravi. रवि ने कहा मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. और रवि ने कहा कि मेरी चप्पलें इसके लिए बहुत छोटी होंगी, नहीं तो मैं अपनी चप्पलें ही इसको दे देता। And his feet were larger than Mridu's and Meena's. और भिखारी के पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे, यानी कि मृदु और मीना की चप्पलें भी भिखारी के पैरों में फिट नहीं आती। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, इसका यह मतलब है कि भिखारी अपने ऊपर के कपड़ों की धूल झाड़ रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था, कसकर बांध रहा था।
He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. भिखारी ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और डरते हुए सड़क की तरफ देखा, वो सड़क जो दोपहर की गर्मी में चमक रही थी. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. इसे पैरों में कुछ पहनने की जरूरत है, मीना ने कहा और मीना की बड़ी आंखों में आंसू आ गए. इट्स नॉट फेयर का मतलब है कि ये सही बात नहीं है, यानी कि मीना ने कहा कि ये सही बात नहीं है कि इतनी गर्मी में इसे बिना चपड़ों के चलना पड़ेगा. रवि ने कहा, श्श, सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, यानी कि रवि ने कहा, चुप रहो, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं. ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, रवि जोर से बोला, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे तो इसकी मदद नहीं हो पाएगी, यानी कि सिर्फ बातों से इसकी मदद नहीं होगी. इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, यानी कि दो मिनट में सड़क पर इसके पैर जल जाएंगे. व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इसे चप्पलों की जरूरत है. सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें वो चप्पलें कहाँ मिलेंगी. कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं. He pushed मृदु एंड मीना into the house, यानी कि रवि मृदु और मीना को धकेल कर घर के अंदर ले गया. Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. और जैसे ही मृदु आंगन में पहुंची, उसकी नजरें अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी. ये वही चप्पलें थी जो उसने तब देखी थी जब वो घर में आई थी. रवि, she whispered to him, whose are those? और मृदु ने रवि से फुसफुसाकर पूछा कि ये चप्पलें किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और रवि ने उस गंदी सी दिखने वाली चप्पलों की तरफ देखा. वो गंदी थी लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलें थी. शैबी लुकिंग का मतलब होता है गंदी दिखने वाली और स्टडी का मतलब होता है मजबूत. ही बीम्ड एंड नोडेड, यानी कि वो मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, पिकिंग देम अप, उसने कहा कि ये चप्पलें बिल्कुल सही साइज की है और उसने उन चप्पलों को उठा लिया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, यानी कि मृदु और मीना घबराई हुई उसके पीछे बगीचे में चली गई. यानी कि रवि उन चप्पलों को लेकर बगीचे में चला गया था और मृदु और मीना भी घबराई हुई उसके पीछे बगीचे में चली गई. हेयर सेड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, रवि ने कहा, ये लो, और रवि ने चप्पलों को भिखारी के सामने रख दिया. वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, और रवि ने भिखारी से कहा, इन्हें पहन लो और दोबारा मत आना. द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा और जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे के ऊपर डाल लिया, चप्पलें डाली और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया. In a minute he had vanished around the corner of the street, और एक मिनट में गली के कोने पर जाकर वो ओझल हो गया, दिखना बंद हो गया. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, नजर ना आना. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स. म्यूजिक मास्टर घर के बाहर आया और उसने गुस्से में उन तीन बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे थे. यानी कि म्यूजिक मास्टर ने मृदु, मीना और रवि को गुस्से में देखा. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और फिर म्यूजिक मास्टर ने अपनी चप्पलों को ढूंढा जो उसने बरामदे में रखी थी.
रली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर के बाद म्यूजिक मास्टर ने रली को बुलाया। शी हरीड अप टू हिम, रली तेजी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हेयर। क्या तुमने मेरी चपड़े देखी है? मुझे याद है मैंने अपनी चपड़ों को यहाँ रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड रली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा। यानी कि रवि, मृदु और मीना चुपचाप देखते रहे कि रली और म्यूजिक मास्टर बरामदे में हर जगह चप्पल ढूंढ रहे थे। ही स्कर्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। यानी कि म्यूजिक मास्टर मुड़ा, म्यूजिक मास्टर ने दीवारों के ऊपर झांक कर देखा और बैठकर गमलों के बीच में भी देखा कि कहीं चपड़े वहां तो नहीं पड़ी हैं। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग। और म्यूजिक मास्टर लगातार बोलता रहा कि मेरी चपड़े बिल्कुल नई थी और मैं माउंट रोड से उन्हें खरीद कर लाया था। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। क्या तुम्हें पता है कि उन चपड़ों की कीमत पूरे महीने की फीस के बराबर थी। सून रली वेंट इन टू टेल हर मदर। जल्दी ही रली अपनी माँ को बताने चली गई। रुकुमनी अपियर्ड लुकिंग हैरेस्ट विद पाती फॉलोइंग हर। रुकुमनी बाहर आई और रुकुमनी परेशान दिख रही थी और रुकुमनी के पीछे पाती भी बाहर आ गई। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। वे चपड़े कहाँ हो सकती है? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है कि क्या किसी ने उन चपड़ों को चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती। और परेशान पाती ने कहा कि दिन भर बहुत सारे फेरी वाले घर के बाहर दरवाजे पर आते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी की नजर रवि, मृदु और मीना पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। यानी कि रुकमणी ने बोलना शुरू किया, बच्चों क्या तुमने, और फिर रुकमणी ने देखा कि बच्चे बिल्कुल शांत थे तो रुकमणी की आवाज भी थोड़ी धीमी हो गई। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरांदा। क्या तुमने किसी को छुप कर बरामदे में घुसते हुए देखा है? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। और अब रुकुमनी की आईब्रोज के बीच में वी शेप का निशान बन गया था। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपियर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। नॉर्मली रुकुमनी का चेहरा सॉफ्ट और मुस्कुराता हुआ होता था, लेकिन इस समय रुकुमनी का चेहरा कठोर हो गया था। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु ने डर कर सोचा। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. वो इतना परेशान नहीं होती अगर उन्हें ये पता होता कि बेचारे भिखारी के पैरों में छाले पड़े हुए थे। सोर्स का मतलब होता है छाले, फफोले। ये मृदु ने खुद से कहा, यानी के मन में सोचा। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. लंबी सांस लेकर पाती ने कहा, रुकुमनी यहाँ पर एक भिखारी आया था, उस बेचारे के पैरों में कितने छाले थे। So said रुकुमनी grimly, turning to रवि। यानी के रवि की तरफ मुड़ते हुए रुकुमनी ने कठोरता से कहा, You gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चपड़े उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोंड पाती। आजकल के बच्चे, पाती ने दुखी होकर बोला। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण,
who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. यहाँ पर रवि रुक्मणी से कहता है, तुमने ही तो मुझे करण के बारे में बताया था कि करण ने अपनी सभी चीजें दान कर दी थी, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी, और वो कितना दयालु था और उदार हृदय वाला था. Silly, snapped Rukmani. मूर्ख, रुक्मणी बीच में ही बोल पड़ी. करण didn't give away other people's things, he only gave away his own. यानी कि करण ने दूसरों की चीजें दान में नहीं दी थी, उसने सिर्फ अपनी ही चीजें दान में दी थी. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिट नहीं आती. रवि रस्ट ब्रशरी ऑन. रवि तेजी से बोलता गया. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और अम्मा, अगर मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिट आ भी जाती तो क्या आप नाराज ना हो जाती? रवि, सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. रुक्मणी जो बहुत गुस्से में थी, उन्होंने रवि से कहा, इसी वक्त अंदर चले जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. यानी कि रुक्मणी अंदर गई और गोपू मामा की बहुत कम घिसी हुई लगभग नई चप्पलें लेकर आ गई. These should fit you, sir. Please put these on. ये आपके पैरों में फिट आ जाएंगी सर, प्लीज इन्हें पहन लीजिए. I am so sorry, my son has been very naughty. रुक्मणी ने म्यूजिक मास्टर से सॉरी कहा और ये भी कहा कि मेरा बेटा बहुत शरारती है. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, यानी कि म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई. He put them on और म्यूजिक मास्टर ने वो नई चप्पलें पहन ली. Trying not to look too happy और किसी को भी अपनी खुशी नहीं दिखाई और कहा, Well, I suppose these will have to do, के इनसे काम चल जाएगा. These days children have no respect for elders, what to do. और म्यूजिक मास्टर ने यह भी कहा कि आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई आदर सम्मान नहीं है, क्या करें. अ हनुमान इनकार्नेट. और म्यूजिक मास्टर ने रवि के बारे में कहा कि रवि तो साक्षात हनुमान है. ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. सिर्फ राम ही इस नटखट बच्चे की रक्षा कर सकते हैं. रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, यानी कि रुक्मणी की आंखें गुस्से में लाल हो गई. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. यानी कि रुक्मणी को यह अच्छा नहीं लगा कि म्यूजिक मास्टर ने रवि को बंदर कहा, चाहे वो बंदर कितना भी पूज्य क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो. She stood stiff and straight by the front door. यानी कि रुक्मणी अकड़कर और सीधी बाहर वाले दरवाजे पर खड़ी हो गई. It was clear she wanted him to leave quickly. और ये साफ था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर वहां से जल्दी चला जाए. When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. और जब म्यूजिक मास्टर फटफट करती नई चप्पले पहनकर वहां से चला गया तो रुक्मणी ने मृदु से कहा, मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खा पी लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. सचमुच तुम बच्चे ऐसी बातें किस तरह सोच लेते हो. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहनकर काम करने नहीं जाते. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जब रुक्मणी मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो अचानक वो हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. और रुक्मणी कहती है कि जैसे ही गोपू मामा घर में आते हैं वो अपने जूते और जुराबे उतार कर फेंक देते हैं और चप्पलें पहन लेते हैं.
What is your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पले म्यूजिक मास्टर को दे दी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।